फ्रेंड्स, हम लोग आज ला पैलेसिया में हैं और ला पैलेसिया में हम लोग आज बात करें, एक्चुअल हम लोगों ने साइड की वीडियो डाली हुई है इसमें, जिसमें आपके 2 BHK, 2+ study एंड 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, सबसे पहले आते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की लोकेशन, तो ये मेन लोकेशन पर है, आपकी मेन प्राइम लोकेशन पर है, आपका 130 मीटर की रोड पर एडजोइन है। जो मेट्रो है, यानी जो इकोटेक 12 की मेट्रो है, वो ऑलरेडी आपकी नियर बाई मेट्रो होगी आपकी। फ्रेंड, जो हम लोग इसकी पोजेशन दे रहे हैं, जैन 2021 से हम लोग इसकी ऑनवर्ड पोजेशन दे रहे हैं। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो मेन रोड की प्रॉपर्टी है आपकी और बिल्कुल 130 मीटर के रोड पर है। परपोइंट मेट्रो स्टेशन है ऑलरेडी, जो इकोटेक 12 का मेट्रो है, यानी मार्च 2022 में जो मेट्रो परपोइंट है यहाँ पर नोएडा स्टेशन में, वो मेट्रो आपकी कनेक्टिविटी रहेगी और 24 मीटर के रोड पर है। बिल्कुल आपके अपोजिट साइड में अगर मैं बात करूँ, तो जो अगर मैं दिखाऊँ भी आपको अपने कैमरे से, तो लक्ष्मी पब्लिशर और 4 की लैंड आती है, टेक्जोन 4 में प्रॉपर्टी आती है आपकी, जिसमें हम लोग हैं। और अभी हम लोग आज एक्चुअल प्रॉपर्टी की हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअल साइड पर हम लोग हैं, जिसमें हम लोग 2 BHK की हम लोग बात करेंगे। 995 स्क्वायर फीट का जो एरिया है आज हम लोग उसकी बात करें, 995 में जो इसमें डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट है, सबसे प्लस पॉइंट है कि डुअल एंट्री इसमें दी हुई है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूँ नोएडा एक्सटेंशन की, किसी में भी डुअल एंट्री नहीं है, बट इसमें डुअल एंट्री यानी मास्टर बेडरूम से भी अटैच आपकी एंट्री है और आपका डाइनिंग रूम से भी आपकी एंट्री है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग आज बात करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, तो मैंने ऑलरेडी अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रिव्यू के लिए आप मुझे कॉल कीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी फ्रेंड्स कंटिन्यू मिलती रहे। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी गुरु रोहित। ये ला पैलेसिया का मॉडम है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अभी 4 टावर हैं आपके, 3.15 एकड़ की लैंड एरिया है, और पूरा पोडियम कॉन्सेप्ट है जो देख रहे हैं आप, क्लब हाउस है इसमें, और फ्रंट पे 24 मीटर का रोड है, ओपन कार पार्किंग और कवर्ड कार पार्किंग बहुत इसमें दी हुई है, और G+19 story की हाइट है इसकी, और जन से ऑनवर्ड हम लोग इसमें पोजिशन दे रहे हैं, जो मैं इसमें आपको पूरा मॉडर्न दिखा रहा हूँ। ये पार्क एरिया इसका पीछे का बैक साइड का, जिसमें हम लोग सारी एमिनिटीज और भी कवर कर रहे हैं, और ये अदर प्रॉपर्टीज़ का आ जाता है इसमें। और मैं इसके साथ साथ अभी आपको लेआउट दिखा रहा हूँ, जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी 995 स्क्वायर फीट की, जो हम लोग देख रहे हैं अभी, जिसका मॉडर्न है पूरा, जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें सारा हम लोगों ने कवर किया है कि इंट्रेंस जो है, जो मैंने आपको बताया था डुअल इंट्रेंस है इसमें, ये डुअल इंट्रेंस है आपका, यहाँ से भी ड्राइंग से भी और मास्टर बेडरूम से भी आपका डुअल इंट्रेंस है, पूरा कंप्लीट इसमें जो हमने लेआउट देखा वही एक्चुअल लेआउट हमने इसमें दिया हुआ है। इससे नेक्स्ट जो साइज आता है हमारा 1165 स्क्वायर फीट, 1165 स्क्वायर फीट, 1165 में भी हमने डुअल एंट्री दी है, मतलब हर जितने भी हमारे तीनों साइज है, तीनों साइज में हमने डुअल एंट्री दी है, और डुअल एंट्री के साथ साथ वुडन फ्लोरिंग और एक कंप्लीट हम लोगों ने करके दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें लाइट फैंस हम लोग लगा के दे रहे हैं आपको, और सेमी मॉडुलर किचन, यानी नीचे का वुडन वर्क हम लोग करके दे रहे हैं मॉडुलर किचन में, ऊपर का आपको खुद कराना है, और वार्डरोब का हम लोग स्पेस दे रहे हैं इसमें। और ये इसका थर्ड है आपका 1425 स्क्वायर फीट का जो मॉडम है, उसका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें भी डुअल एंट्री, यानी जितने भी हमारे तीनों साइज है, तीनों साइज में आपकी डुअल एंट्री है, और प्रॉपर आपका बना हुआ है, प्रॉपर आपका सनलाइट, प्रॉपर आपका पूरा फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे। फ्रेंड्स, ये कॉरिडोर एरिया जो हम लोग बात कर रहे थे ला पैलेसिया की, ला पैलेसिया में हम लोग एक्चुअल टावर में हैं, और अभी हम लोग ये कॉरिडोर एरिया है जहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं, 995 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, जिसकी डुअल एंट्री जो मैंने आपको बताया भी था, आपने स्क्रिप्टिंग में भी बताया था कि एक ऐसा फ्लैट जो मात्र एक नोएडा एक्सटेंशन में ला पैलेसिया में है, जिसकी डुअल एंट्री है। कोई भी आपने रेडेंसी देखा होगा, कहीं पर भी आपने देखा होगा कि सिंगल एंट्री मिलती है, कोई भी इंट्रेंस आपको होता है सिंगल एंट्री से होगा, जहाँ से मैंने एंटर किया, बट इसमें डुअल एंट्री है, मैं दोनों एंट्री आपको दिखाऊंगा। ये फर्स्ट में आप जैसे एंटर करते हैं, तो ड्राइंग और डाइनिंग रूम आपका, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की अगर मैं बात करूँ, दोनों सेपरेट दिया है, ड्राइंग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 16x10 का आपका दिया है, और डाइनिंग रूम 5x5 का दिया हुआ है आपका, डाइनिंग रूम सेपरेट है, किचन का सेमी मॉडुलर किचन, यानी नीचे का हम लोग काम करके दे रहे हैं, जो आपका स्लैब से नीचे का काम है, ऊपर का आपको खुद कराना होगा, जितना भी वुडन वर्क है आपको खुद कराना, नीचे का हम लोग पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं, पूरा मॉडुलर किचन आप दे रहे हैं, जितना भी मैं आपको रैंक भी दिखा रहा हूँ इसकी, जितना भी आप देख पा रहे हैं इसका पूरा, सिंक नल फिटिंग्स जितने भी आपकी फिनिशिंग है सारी हम लोग करके दे रहे हैं, पूरे इसकी पूरे फ्लैट की आपकी फिटिंग सब लोग करके दे रहे हैं, बाकी आपको जैसे आपका स्लाइडिंग डोर है आपका, सारा चीज़ हम लोग कवर करके दे रहे हैं। और अगर मैं इसकी बालकनी की बात करूँ, तो बिल्कुल आपके ड्राइंग रूम से अटैच बालकनी आपकी, जो आप देख रहे हैं स्पेस अच्छा है, 5 फीट की वाइड बालकनी है, और एक खुद स्पेस है, यानी आप राउंड टेबल डाल के भी यहाँ पर बैठ सकते हैं,
टैब आपका लगा हुआ है, वॉशिंग के लिए आपका टैब यूज कर सकते हैं आप, ग्रिल आपकी लगी हुई है सेफ्टी के लिए, और प्रॉपर धूप प्रॉपर सनलाइट आपके पूरे फ्लैट में आती है, प्रॉपर सनलाइट जो मैंने बनाया ये एक्चुअल फ्लैट में ही एक्चुअल टाइम पर मैं बना रहा हूँ आपको, डे टाइम में प्रॉपर आपको सनलाइट, यानी डे टाइम में आपको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं पर भी कि आपको लाइट की ऑन करने की रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंड्स यहाँ पर, और प्रॉपर सनलाइट प्रॉपर आपका धूप आती है प्रॉपर रहता है आपका। और ये ग्लासी जो हम लोग पूरा ग्लास कवर करके दे रहे हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं इसकी कंप्लीट कर रहे हैं, और मैं इसका जो सेकंड एंट्रेंस है वो आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग हम लोग दे रहे हैं, मास्टर बेडरूम की ही आपकी डुअल एंट्री है जो आप ये देख पा रहे हैं इसकी बराबर से, मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ अभी आपको जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाली आपकी डुअल एंट्री यानी दो एंट्री एक ही फ्लैट की, किसी भी प्रोजेक्ट में डुअल एंट्री नहीं होती, सिंगल एंट्री होती है, बट आपकी यहाँ पे डुअल एंट्री है यानी दो एंट्रेंस, एक ड्राइंग से आपका और एक मास्टर बेडरूम से डुअल एंट्री है आपकी। तो डुअल एंट्री के साथ आप बेनिफिट्स इसका ले सकते हैं कि आप इसे अगर रेंट आउट भी करना चाहिए। डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डुअल एंट्री का है आपका, और ये वार्डरोब स्पेस या स्टोरेज के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं सेपरेटली, जैसे भी आप यूज करना चाहें उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें स्विच स्पेस आपको दिया हुआ है, ये अटैच टॉयलेट आपका जो आप देख रहे हैं, अटैच टॉयलेट में जितनी फिनिशिंग है पूरी फिनिशिंग हम लोग दे रहे हैं इसमें, आपका पोर्ट आपका सारे नल फिटिंग सब लोग आपको दे रहे हैं पूरा पूरा कवर करके, शावर वगैरह पॉइंट सारा कुछ हम लोग दे रहे हैं और एक अच्छी फिनिशिंग के साथ दे रहे हैं हम लोग ये प्रॉपर्टी आपको फ्रेंड्स। आपका एग्जॉस्ट के लिए स्पेस हमने दिया है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। 295 स्क्वायर फीट में लोडिंग बहुत कम है, और अगर मैं लोडिंग की बात करूँ तो आपकी अप्रोक्स 22% की लोडिंग होगी, नई बिल्डर की मोस्टली जो लोडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा लोडिंग होती है और करीब 30% के आसपास लोडिंग है, बट इसमें लोडिंग बहुत कम है, एक स्पेस अच्छा दिया हुआ है, किसी भी बिल्डर का आप देखेंगे तो स्पेस बहुत कम होता है, बट 995 स्क्वायर फीट में इतना बड़ा स्पेस हूज स्पेस आपको दिया हुआ है। और अगर मैं सेकेंड बेडरूम की बात करूँ तो ये आपका 10x11 का सेकंड बेडरूम है आपका, वार्डरोब का स्पेस आपको वार्डरोब का यानी वुडन वर्क आपको खुद कराना है। ये आपका बालकनी स्पेस 5 फीट की वाइड बालकनी है आपकी, और मैं इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखा रहा हूँ, ये आपको सामने पूरा आपका आईटी प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और ये टेक्जोन 4 में आता है, एक कंस्ट्रक्शन अपडेट है हमारा, और ये मेन रोड है 24 मीटर का रोड है, नीचे आपकी कनेक्टिविटी रहेगी, और ये पोडियम बेस्ड कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा, यानी पोडियम पर है जो हम लोग इसमें पूरा पूरा पोडियम आपका कंप्लीट कर रहे हैं, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका पूरा बालकनी का स्पेस यानी स्पेस का स्पेस बालकनी है आपका, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है बालकनी का। फिनिशिंग की आप सबसे बात करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग ही आती है किसी भी प्रोजेक्ट में, सबसे मेन होता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग, वो हमने सबसे बेटर दिया फ्रेंड्स इसमें। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।